फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले चट्टानों के क्रम में आज काफी दिन से केवल चट्टान 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 चल रहा है, आज राग से संबंधित मुझे लगता है कि आज का मैटर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सीरियसली होके हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज हिमालय की उत्पत्ति, भौगोलिक वितरण किस काल में होता है उसे आज विस्तृत ढंग से हम जान लेंगे, टू द पॉइंट एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जैसे आज जो पढ़ना है, आज पढ़ना है भारत के भौगोलिक वितरण। क्लियर फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, या थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, भारत के भौगोलिक वितरण। क्लियर? मतलब फ्रेंड्स, इतना ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जो वितरण किया गया है, जैसा कि आपसे बताया गया कि जो काल चल रहे थे, चट्टानों के जो काल चल रहे थे, उसमें जो आर्य समूह की चट्टाने थी, आर्य समूह की चट्टाने, क्लियर, उसमें पहले क्या था, गोंडवाना लैंड, द्वितीय पायदान पे दक्कन ट्रैक, फिर तृतीय पर टर्शियरी समूह, और चौथे ग्रुप में आप कह सकते हैं क्वार्टनरी समूह की चट्टाने। तो फ्रेंड्स, लगभग एक दूसरे से अपक्षय और अपरदन होने के बावजूद, जब अपक्षय अपरदन होता गया, एक दूसरा चट्टान का नया रूप लेता गया, तो इस तरीके से गोंडवाना लैंड का जो अपरदन और अपक्षय हुआ, वह क्या बना, दक्कन ट्रैप बना। और जो दक्कन ट्रैप है, उसका अपक्षय अपरदन हुआ तो टर्शियरी समूह की चट्टाने बनी, और टर्शियरी समूह की जो चट्टाने अपक्षय अपरदन हुई, वह फ्रेंड्स क्वार्टनरी समूह की चट्टाने हुई। इस प्रकार से क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, जब हमारा टर्शियरी युग, जब टर्शियरी समूह की चट्टानों का वर्णन किया जाता है, चट्टानों का वर्णन करते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें हिमालय की विभाजन की बात आ जाती है। किसकी बात आती है? हिमालय का विभाजन। क्लियर? और अगर क्वार्टनरी समूह की बात, चट्टानों की बात आएगी, तो याद रखना फ्रेंड्स, ये उत्तरी भारत के मैदानों की बात आ जाएगी। तो आज हमको जो पढ़ना है, भारत के भौगोलिक वितरण। क्लियर? तो ये जो भौगोलिक वितरण है, स्पेशली याद रखिए, ये टर्शियरी समूह की जो चट्टाने हैं, उसमें केवल स्पेशल हिमालय को वर्णन किया गया है, हिमालय को बांटा गया है। क्लियर? और जो क्वार्टनरी समूह की जो चट्टाने हैं, वह उसमें केवल उत्तरी भारत के मैदान को दर्शाया गया। फ्रेंड्स, तो आइए इस प्रकार से हम टर्शियरी समूह की चट्टानों का वर्णन करने चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैप के सहारे भौगोलिक वितरण में इसको चार भागों में बांटा गया।
पहले याद रखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, क्लियर। तो याद रखिए फ्रेंड्स, भारत में पर्वतों की श्रृंखला जो है, भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितने परसेंट हैं इतना बताना होगा। तो याद रखिए भारत में पर्वतीय क्षेत्र टोटल, पूर्ण रूप से याद रखिए, टोटल कितना है 10.6%। क्लियर। अगला चलते हैं। अगर देखा जाए कि भारत में पहाड़ी क्षेत्र कितने होंगे, तो फ्रेंड्स याद रखना ये 18.5 भाग है, 18.5 भाग। आगे चलिए, फिर इसे काल में बांटा गया, तो ये आपका हो गया क्या, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्लियर फ्रेंड्स। अब आइए उत्तर का विशाल मैदान, तो ये यानी भारत का या उत्तर लिखेंगे, उत्तर का विशाल मैदान। क्लियर, उत्तर का विशाल मैदान। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 43.2%। क्लियर, इतने भाग पर, यहां पर सब लिखेंगे भाग, इतने भाग पर यानी पर्वतीय क्षेत्र है, इतने भाग पर पहाड़ी क्षेत्र है, और इतने भाग पर क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। क्लियर। अब बात उठती है अगला जो स्टेप है, यानी भारत का प्रायद्वीपी पठार के रूप में याद रखिए 27.2%। क्लियर फ्रेंड्स, 27.2% ये क्या है, भारत का प्रायद्वीपी पठार है। अब बचा क्या, इसके अलावा जो बचेगा वह तटवर्ती मैदान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तटवर्ती मैदान या द्वीप समूह। अब चलिए फ्रेंड्स, इसे अगर मैपिंग में देखा जाए तो याद रखिएगा, ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ठीक। तो ये सोचिए, यानी कि यहां लिखा हिमालय में पर्वतीय क्षेत्र कितने हैं, यानी भारत में टोटल पर्वतीय क्षेत्रों की गणना की जाए कितने परसेंट पर है, 10.6% पे है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जैसे अगर ये देखा जाएगा, तो हमने आपसे पहले ही बता दिया कि टर्शरी जो है, टर्शरी समूह की चट्टाने टर्शरी समूह की चट्टाने ये केवल केवल हिमालय के वितरण में आ जाते हैं। तो इसमें अगर हिमालय की बात आएगी तो उसमें पहाड़ी भी आ जाएगा, बस हमारी। अब आप कलेक्ट कर लीजिए, यानी पर्वतीय क्षेत्रों का कितना हुआ, पर्वतीय क्षेत्रों का 10.6, और उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों का ये हुआ 18.5, विशाल मैदान का कितना हुआ तो 43.2। क्लियर। और उसके बाद प्रायद्वीपी पठार का फ्रेंड्स 27.2%, ये इस इतने इतने भाग पर हैं। अब इसके अलावा जो बचता है वह क्या हो जाएगा, तटवर्ती मैदान हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहां पर अगर आप लेंगे ये एरिया, ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्योंकि यहां छोटा नागपुर पठार भी है, और इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार। अब फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये यहां एक हिमालय, ट्रांस हिमालय, क्लियर, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय को जो बांटा गया है, हिमालय
याद रखिए, हिमालय को जो बांटा गया वह टर्शरी युग में बांटा गया, टर्शरी समूह की चट्टानों में बांटा गया। क्लियर? अब सवाल उठता है कि टर्शरी में क्या क्या है, तो ये याद रखिएगा, इसमें नंबर एक ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद दूसरा याद रखिएगा दीर्घ हिमालय। क्लियर? दीर्घ हिमालय। तीसरे नंबर पर लघु हिमालय या मध्यम हिमालय, या मध्यम हिमालय, लघु हिमालय में जैसे पीरपंजाल हुआ, धौलाधर हुआ, ये सब आते हैं। अब आगे चलते हैं चौथे नंबर पे बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। क्लियर? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय को बांटा गया, ट्रांस हिमालय को तीन भागों में बांटा गया, यहां लिखेंगे ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय को इसको पार हिमालय भी कहते हैं, पार हिमालय कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, जो ट्रांस हिमालय आपका है इससे तीन भागों में बांटा गया, यानी तीन पर्वत श्रृंखलाएं स्पेशल करके हैं। तो नंबर एक पर काराकोरम, काराकोरम, दूसरे नंबर पर लद्दाख, और तीसरे नंबर पर आपका जास्कर, ये आपके तीन हिमालय आ जाएंगे, तीन श्रेणियां आ जाएंगी। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये किसमें आ जाएंगे? ट्रांस हिमालय में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी अगर आपको याद करना होगा तो याद के, के उसके बाद एल, उसके बाद जे, के एल जे। तो सबसे यानी ये क्या हो गया नॉर्थ, सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? काराकोरम, उसके बाद क्या हो जाएंगे? लद्दाख, उसके बाद क्या हो जाएगा? जास्कर, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपका काराकोरम हुआ। क्लियर? उसके बाद फिर आपका हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख श्रेणी को याद होगा कि सिंधु नदी एक बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। बहरहाल जब नदियां पढ़ाई अपवर्तन पढ़ाए जाएंगे, सिंधु नदी के बारे में चर्चा डीपली चलेगी, तो सवाल से बात इसको डीपली किया जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद याद रखिएगा अगला क्या है? जास्कर। क्या है? जास्कर। तो यानी ऊपर वाली श्रेणी क्या होगी? के होगी काराकोरम, उसके बाद एल होगा लद्दाख, उसके बाद क्या होगा? जास्कर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमने आपसे क्या बताया कि टर्शरी समूह की जो चट्टाने हैं इसमें स्पेशली रूप से अगर देखा जाए तो केवल केवल हिमालय से संबंधित वर्णन किया गया, हिमालय का विभाजन भी हुआ। अब आइए मैपिंग देखते हैं। अब देखिए उसके बाद ये जो है यहां पर दीर्घ हिमालय। क्लियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा, ये दीर्घ हिमालय यानी जिसे आप ग्रेट हिमालय कहते हैं, और उसके बाद उसके नीचे जाएगा तो ये भी याद रखिएगा, इसे लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालय, ग्रेट या दीर्घ, उसके बाद या मिडिल मध्यम आकार की हिमालय, उसके बाद याद रखिए फ्रेंड्स ये शिवालिक,
शिवालिक। और याद रखिए लास्ट में तीन को तीनों हिमालय एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी शिवालय शिवालिक बोल सकते हैं या बाह्य हिमालय। तो इसमें अब सवाल उठता है कि इन पहाड़ों को क्या क्या, किस राज्य में नाम दिया गया, किस देश में क्या क्या नाम दिया गया, सबका विभाजन करना होगा। अब ये टर्शियरी युग की रही, क्लियर। अब इधर दक्कन का पठार हो गया, यानी भारत के प्रायद्वीपी पठार हो गए दक्कन का पठार, उसके बाद यहां छोटा नागपुर पठार। फ्रेंड्स अब इधर देखिए यहां पर क्या होगा, नदियां, क्लियर, नदियां हो गई। सवाल यह है कि यह भारत का उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है, जैसे गंगा नदी, और ये इधर पंजाब का मैदान, तो ये होगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो याद रखिएगा जो ये विशाल मैदान की बात की गई है, क्लियर, ये याद रखिए क्वार्टनरी समूह की बात की गई है, क्वार्टनरी समूह में बांटा गया है, यानी क्वार्टनरी समूह में इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखिए अगर हिमालय से स्पेशल चर्चा चलेगी तो आप किस में जाएंगे, टर्शियरी समूह में जाएंगे, और जैसे विशाल मैदान की चर्चा चलेगी तुरंत आप किस में जाएंगे, क्वार्टनरी समूह में, इसका निर्माण हुआ, इसका मतलब क्वार्टनरी समूह की चट्टानों से जो अपक्षय अपरदन के रूप में विशाल मैदान के रूप में बने हैं तो आप किस में जाएंगे, क्वार्टनरी समूह में चले जाएंगे, क्लियर। अब सवाल उठता है कि अब देखिए ये एरिया आपके क्या हो जाएंगे, मैदानी हो जाएंगे, आप इधर के क्या हो जाएंगे, तटवर्ती हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये सब क्या हो जाएंगे, तटवर्ती। तो ये अगर तटवर्ती हो गए तो इसका मतलब क्या है, तटवर्ती द्वीप समूह इसके अंतर्गत आ जाएंगे ना, और ये भारत का जो प्रायद्वीपी पठार, यानी भारत उत्तर भारत का जो मैदान और ये पठारों के बारे में चर्चा की गई, तो स्पेशल याद रखिएगा कुल मिलाकर आप सबसे पहले हिमालय को वितरित कर लीजिए। तो ऊपर वाला क्या हो गया, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय को तीन भागों में बांटा गया, काराकोरम लद्दाख, फिर उसके बाद जैस्कर, फिर उसके बाद फिर आया दीर्घ हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद लघु हिमालय के नाम से जानते हैं या मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद फिर आएंगे शिवालिक या बाह्य हिमालय के। तो कहने का मतलब लगभग ये बताया जाता है कि अंतर्गत्ता लास्ट में याद रखिए तीनों हिमालय एक दूसरे से जाके यहीं पर एकदम मिल जाते हैं सिमिलर में। और यह भी बताया गया कि जो दीर्घ हिमालय और लघु हिमालय, ये याद रखिएगा ये 2400 किलोमीटर रेंज में है, क्लियर। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम इसे वितरित करेंगे कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो आप तुरंत किस पे जाएंगे। अब देखिए पर्वतीय और पहाड़ी में दो चीजें हैं, पहाड़ी जो होती है एकदम नुकीला होगा, और पर्वतीय जो होगा ये थोड़ा सा कीप नुमा होगा। तो याद रखिएगा एकदम नुकीला जो होगा वो पहाड़ी रेंज होगा, तो ये केवल हिमालय के रेंजों में आएंगे ना, तो हिमालय के रेंज में आएंगे, सीधा आप टर्शियरी समूह में ही वर्णन उसका करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको अच्छे समझ आ रहा है उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आगे भी क्लास इससे हमें लगता है कि प्रांत हिमालय और दीर्घ हिमालय इसे भी विभाजित करने में जो बाउंड्री विभाजन का काम करती है उसके लिए दिया जाएगा ITSZ AMCD, क्लियर, उसके बाद AMFF, इस तरीके सबका विभाजन का नाम दिया गया, क्योंकि काराकोरम लद्दाख जास्कर तो ट्रांस हो गए, तो ट्रांस के बाद क्या आएगा, दीर्घ, इन दो ट्रांस के बाद दीर्घ आएगा, इसके बाद विभाजन होगा, तो इन विभाजनों का विभाजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले इसे आप इस अच्छे से लर्न कर लीजिए, देख लीजिए क्या कैसे हो रहा है और किस में, किस युग में समूह में ये चट्टाने बनी हुई है। फ्रेंड्स थैंक यू।